विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल ने पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव के सामने सड़कों के चौड़ीकरण का मुद्दा उठाया। राजेश अग्रवाल ने प्रश्नकाल में अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई का मामला उठाया और आरोप लगाया कि तत्कालीन मंत्री की वजह से अंबिकापुर बिलासपुर चौक से लखनपुर जुनाडीह राजमार्ग की चौड़ाई 4 लेन की जगह 2 लेन कर दी गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केवल एक व्यक्ति के मकान को बचाने के लिए ये किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सष्टम विधानसभा में ये मेरा पहला प्रश्न है, कोई गलती होगी तो क्षमा चाहूंगा। प्रश्न उप मुख्यमंत्री जी से था जिसका जवाब भी आ गया है, लेकिन मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से। पूर्व में आप ही के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था और लखनपुर में 4 लेन स्वीकृत था जिसको पूर्ववर्ती सरकार ने 2 लेन कर दिया। मैं इसको अंबिकापुर से लखनपुर तक 4 लेन करने के लिए निवेदन किया हूं, और चूंकि अंबिकापुर से रायपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है और बहुत ठीक है और बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं उस रोड में लगातार हो रही। कल रात में भी एक बड़ी दुर्घटना हुई है, 5 मोटरसाइकिल सवार थे, 2 जन मर गए हैं, 3 जन मरणासन्न स्थिति में है। तो कृपया इस सड़क को अंबिकापुर से लखनपुर तक 4 लेन के लिए करवाने का निवेदन कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सड़क भारत सरकार के अंतर्गत है और ये सही है माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि ग्राम जूना लखनपुर से रजली कला लगभग 5 किलोमीटर भाग जो है 4 लेन के लिए प्रस्तावित था, और जो 30 मीटर चौड़ाई से सड़क बननी थी लखनपुर शहर के आसपास, पर वहाँ पर रहवास था, व्यवसाय था और लोगों ने उसका विरोध किया। तत्कालीन मंत्री ने भी उस विषय पे पत्राचार किया और भारत सरकार ने इसे 5 किलोमीटर के स्थान पर 2 किलोमीटर को ही 4 लेन बनाया और 3 किलोमीटर को 2 लेन सड़क किया है। अभी वर्तमान में 4 लेन का कोई प्रस्ताव नहीं है, भारत सरकार अपने मापदंड से करती है। चलिए प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं उस समय नगर पंचायत का अध्यक्ष था, किसी ने विरोध नहीं किया था, सिर्फ एक व्यक्ति के मकान को बचाने के लिए हमारे पूर्व मंत्री जी जो वहाँ के विधायक हैं, विधायक रहे उस समय, उन्होंने एक व्यक्ति के मकान को बचाने के लिए इस सड़क को 4 लेन से 2 लेन कर दिया गया। उनके विजन को देखिए, आज हर आदमी 2 लेन को 4 लेन, 4 लेन वाला 6 लेन मांग रहा है, और उन्होंने क्या दूरदर्शिता का परिचय दिया था कि 4 लेन को 2 लेन किया। वो 2 लेन की वजह से आप यहाँ पहुँच गए, आप तो उनको धन्यवाद दो। मेरा निवेदन है इसको पुनः 4 लेन किया जाए। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय दिल्ली में किसकी सरकार थी? प्रस्ताव देखिए यही से गया है, मंत्रालय से। माननीय मंत्री जी बोले दिल्ली सरकार के अधीन निर्माण हुआ है, तो आप ये भी तो बताइए उस समय दिल्ली में किसकी उस सरकार समय थी? छत्तीसगढ़ विधानसभा से आपके मुख्यमंत्री जी के और विधानसभा से पारित करके भेजा गया है। चलिए ठीक हो गया, ये मंत्री जी का पत्र भी मेरे हाथ में है, तत्कालीन मंत्री महोदय ने जो चिट्ठी लिखी थी, और ये भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार चाहे तो आवश्यकता के अनुसार अपने प्रस्ताव करती है। चलिए और कुछ है? जी अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विषय आ गया, चूंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र भी लगा हुआ है, और ये देखिए पूरा हमारा पूरा क्षेत्र आगे तक बिलासपुर तक तो 4 लेन बन गया है, और उसके बाद NH के अंबिकापुर से भी आगे बनारस तक 4 लेन होना है, बीच का पैच केवल बचा है 4 लेन के लिए, और वो 4 लेन यदि बन जाता तो यहाँ से लेके बनारस तक का पूरा सड़क हम लोगों का पूरा 4 लेन से जुड़ जाता और आवागमन की सुविधा होती, और उस क्षेत्र में जो विषय राजेश जी ने रखा है, और वो भी यदि आबादी और हमारा अंबिकापुर शहर का विस्तार और जो ट्रैफिक है उसको देखते हुए लखनपुर तक भी, क्या मंत्री जी इसको पुनः प्रस्ताव भेजेंगे क्या उसको बनाने के लिए 4 लेन? देखिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है लोगों को अच्छी आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए।